नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी अभी फिलहाल अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा घाटा झेल रहे हैं। उनके शेयरों में जो सुनामी आई उसके चलते अमीरों की रैंकिंग लिस्ट में वो नीचे हो गए। लेकिन इसी बीच गौतम अडानी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि अडानी एक बार फिर वापसी करते हुए खोया हुआ मुकाम हासिल जरूर करेंगे। चलिए आपको भी बताते हैं गौतम अडानी के उस बयान के बारे में। दरअसल अभी क्योंकि गौतम अडानी हर तरफ छाए हुए, इसलिए उनके कुछ पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसी बीच इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पैसों को लेकर कुछ खास बात की। गौतम अडानी ने कहा था कि वो जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी सोच बताते हुए आगे कहा था कि मैंने पैसे को आते जाते देखा है, जब पैसा आए तो बहुत खुश या पैसा जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी को भी उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि उनके हाथ में नहीं है, नियति अपने आप तय करेगी। गौतम अडानी का ये बयान उस समय वायरल हो रहा है जब उनका समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे में इस बयान को सुनकर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अडानी एक बार फिर वापसी करते हुए खोया हुआ मुकाम हासिल जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि पैसा जाने पर वो दुखी नहीं होते और नियति पर विश्वास रखते हैं। फिलहाल आपको बता दें, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट में गौतम अडानी के बिजनेस में सुनामी ले आई थी। 24 जनवरी से लगातार उनकी कंपनियों के शेयर टूट रहे हैं और इसके चलते आई नेटवर्थ में कमी से भी वे अरबपतियों की लिस्ट में काफी नीचे आ गए हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेर फेर और अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था, जहां 2022 में वो अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 2 पर पहुंचकर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले उद्योगपति बने थे। वही आज सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। हालांकि नंबर की रेस से भी उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया टुडे ग्रुप को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में गौतम अडानी ने कहा था, मैं आंकड़ों में कभी नहीं पड़ता। वैसे गौतम अडानी के एक और बयान से उनकी वापसी की उम्मीद बढ़ती है, जिसमें उन्होंने अडानी का बैलून फूटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे के सवाल का जवाब दिया था। अडानी ने कहा था कि देश लगातार आगे ही बढ़ेगा और ये अडानी का गुब्बारा फटेगा नहीं, बल्कि तेजी से आगे ही बढ़ता जाएगा। भले ही गौतम अडानी के शेयरों में बीते कुछ समय से गिरावट आ रही है, लेकिन मंगलवार को स्टॉक्स की रफ्तार पकड़ने से उनकी ये बात दमदार नजर आती है। फिलहाल आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को सबके सामने आई थी। उसके बाद से ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। हालांकि अब अडानी ग्रुप की कंपनियों में चुनिंदा शेयरों में रिकवरी हो रही है। ऐसे में लग रहा है कि अडानी अब वापसी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।